wheels. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आयुष। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम डबल हेडलैम्प को अपनी बाइक पर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो गाइज अगर आप किसी बाइक को मॉडिफाई करना चाहते हैं या फिर उसके हेडलैम्प को चेंज करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये डबल हेडलैम्प सबसे बढ़िया ऑप्शन हेडलैम्प को चेंज करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी हेडलैम्प को बाइक पर कैसे इंस्टॉल करना है ये बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अरे भाई सुनो, तो अपनी गाड़ी में इतनी सारी चीजें लगाते रहते हैं, इन सब चीजों के लिए तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आता कहां से? अरे भाई बायनोमो है ना, तुम्हें बायनोमो के बारे में नहीं पता? रुको मैं बताता हूं। देखो ये है बायनोमो ऐप, इसके थ्रू हम इजीली पैसा कमा सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि ग्राफ डाउन जाएगा तो मैंने इस पर $100 डाउन पर लगा दिए। अब देखते हैं क्या होता है। देखो ये डाउन गया, मैंने बोला था ना डाउन जाएगा। अरे भाई और सिंपली मैंने इससे $80 जीत लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, जो कि कुछ ही समय मेरे बैंक अकाउंट में भी आ जाएंगे। अरे भाई तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। तो गाइस अगर आपको भी इसी तरह से बायनोमो से पैसा कमाना है तो अभी डाउनलोड कीजिए बायनोमो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये हमको कैसे बॉक्स में मिलता है और इसके साथ क्या कुछ आता है। तो गाइस इस तरह का हमें ये बॉक्स मिलता है, तो चलिए फटाफट से सारा सामान इसमें से निकालते हैं। तो ये रहा हमारा डबल हेडलैम्प और यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्सेसरीज को देखते हैं क्या हमें इसके साथ मिलता है। तो गाइस ये रहे ये दोनों क्लैंप्स जिसकी मदद से हम डबल हेडलैम्प को अपनी बाइक पर लगाएंगे। तो ये सॉकअप के साइड में लग जाते हैं, साइड से सॉकअप के यहाँ पर डाल लेते हैं और फिर इनको हम क्लैंप से कस देते हैं। तो ये रहे हमारे वो क्लैंप्स जिसकी हेल्प से हम इस डबल हेडलैम्प को अपनी बाइक पर लगाएंगे। तो ये हमें चार मिलते हैं, दो दो लगते हैं दोनों साइड। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर मिलते हैं नट बोल्ट्स जिसको मैं अभी आपको आगे बताता हूँ इनको कहाँ पर और कैसे लगाना है। दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन इस डबल हेडलैम्प का काफी बढ़िया है, एकदम से शाइनी सरफेस है इसका और काफी रिजिड मटेरियल से इसको बनाया गया है, एकदम से रिजिड मटेरियल है इसका। फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पर हमको दो हेडलैम्प मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है, नाइट टाइम में हमको दो हेडलैम्प से अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी। और जो हेडलैम्प के साइड में यहाँ पर जो ये होल्स दिए हैं इनमें हमको नट बोल्ट की हेल्प से इसको उन क्लैंप्स में लगाकर अपनी बाइक पर लगाना है, जिसको भी मैं वीडियो में आगे आपको लगाकर बताऊंगा। और गाइस इन एलईडी हेडलाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमको मिलती है एलईडी रिंग, तो यहाँ पर हमको ये मल्टी कलर एलईडी रिंग मिलती है दोनों लाइट्स में और सामने की तरफ हमको ये व्हाइट लाइट मिल जाती है 3 LED की, तो जिससे दोस्तों जो ये एलईडी रिंग रहती है वो इसको देखने में और भी बढ़िया बनाती है। और सामने की तरफ हमको जो व्हाइट एलईडी मिलती है वो हमको रोड पर देखने के काम आती है। बैक साइड में दोस्तों आप देख सकते हो हमको यहाँ पर दोनों लाइट्स के होल्डर्स मिल जाते हैं, तो सिंपली हमको दोस्तों दोनों होल्डर्स को कनेक्ट करके एक होल्डर में करना है और वो होल्डर हम अपना सिंपली जो बाइक में से होल्डर आता है निकल कर उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो जिस तरह से हमारी मास्क की लाइट्स कनेक्ट होती हैं उसी तरीके से सिंपली ये लाइट्स भी हमारी बाइक में कनेक्ट हो जाएंगी। फिर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इन क्लैंप को हमें इस तरह से अपने मास्क पर लगाना है और नट बोल्ट से इनको कस देना है। फिर दोस्तों जो ये क्लैंप्स हैं इनको हमें इन वाले क्लैंप की मदद से सॉकअप पर अपने अच्छी तरह से लगा लेना है। तो चलिए मैं इस डबल हेडलैम्प को अपनी बाइक पर फटाफट से लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने डबल हेडलैम्प को अपनी बाइक पर इंस्टॉल कर लिया है और आप देख सकते हो अभी ये चालू है, आप देख सकते हो LEDs ग्लो कर रही हैं यहाँ पर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसको कैसे लगाया है। तो जो हमको पत्ती मिलती है इसके साथ उसको हमने सिंपली यहाँ से सॉकअप के यहाँ से निकाल लिया है और जो हमको क्लैंप मिलते हैं दोस्तों उनको हमें ऊपर नीचे लगाकर इस पत्ती को अच्छे से सॉकअप में टाइट कर लिया है। देन हमने अपने हेडलैम्प को जो नट और बोल्ट साथ में मिलते हैं उनकी मदद से इस पत्ती पर हेडलैम्प को अच्छी तरह से लगा लिया है। उसी तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरी साइड भी सेम किया है, इस पत्ती को सॉकअप से निकाल के ऊपर नीचे क्लैंप लगाया और हमने यहाँ पर नट बोल्ट से अपना डबल हेडलैम्प इस पत्ती पर अच्छी तरह से कस दिया है। उसकी वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हमको ये दो लाइट्स मिलती हैं तो इनको हमको एक सिंगल लाइट बनाना है वायर्स की हेल्प से। देन हमें उस सिंगल लाइट को अपने जो बाइक से निकलकर जो सॉकेट आता है लाइट वाला उसमें हमें कनेक्ट कर देना है। तो सिंपली जैसे कि हमारा जो मास्क होता है बाइक का वो वर्क करता है उसी तरह से ये भी वर्क करने लगता है। और गाइस लुक वाइज ये डबल हेडलैम्प मुझे काफी बढ़िया लगा है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको इसका लुक कैसा लगा। और गाइस इसकी लाइट्स को आप काफी ज्यादा चेंज कर सकते हैं, इनकी लाइट के मोड को चेंज कर सकते हैं, साइड की जो स्ट्रिप है यहाँ पर जो एलईडी की उसको भी चेंज कर सकते हैं और जो फ्रंट में हमको जो ये व्हाइट लाइट मिलती है उस पर भी कई सारे मोड्स लग जाते हैं। तो सिंपली जब हम अपनी लाइट के बटन को स्विच करते हैं तो हमारी लाइट्स के मोड चेंज हो जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको यहाँ पर जो ये पार्किंग एलईडी कह सकते हैं इनके मोड्स दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पहले ब्लू कलर हुआ, अब यहाँ पर इसको चेंज करके रेड कर दिया, देन यहाँ पर एक ये रेनबो कलर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको इस तरह से अलग अलग कलर्स देखने मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया बात है। फिर यहाँ पर ये हमको एक स्ट्रोब वाला मोड मिलता है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, सबसे अच्छा मोड मुझे यही लगा है। और अगर आपको नाइट टाइम में सिर्फ व्हाइट लाइट यूज करनी है तो आप उसको भी मोड चेंज करके व्हाइट लाइट पर स्विच कर सकते हैं। और आप देख सकते हो व्हाइट लाइट इसकी काफी बढ़िया है, एकदम से स्पॉट लाइट है।
तो इससे विजिबिलिटी भी हमको ठीक ठाक मिल जाएगी, लेकिन हालांकि जो अच्छी LEDs आती है उसके मुकाबले ये उतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। तो गाइस लुक वाइज आपकी बाइक को ये काफ़ी बढ़िया बना देती है अगर आप अपनी बाइक को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहते हैं तो। अगर आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना रहता है तो मैंने बाय करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। मैंने आपको बताया आप किस तरह से इस डेविल हेडलैम्प को अपनी बाइक पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी बढ़िया सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।